आपका हमारी इस खास पेशकश में, मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। सियासत बिना मुद्दों के नहीं चलती और मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सियासत कहती है कि मुद्दों को पहले तलाशो, उसका जमकर इस्तेमाल करो और फिर जनता तक पहुंचाओ। अगर जनता के दिलों तक पहुंच जाए तो वो किसी मुस्तकबिल बन सकता है और फिर उस दल के सपनों को निस्तानाबूद कर सकता है। अयोध्या और वाराणसी जहां बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता है, तो कांग्रेस के लिए ये मुद्दा ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। तो अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा लोकसभा में मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी असर डाल पाएगा, इस रिपोर्ट से समझिए। फिर आप सभी को मेरा राम राम। सुबह सुबह देश की संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम राम और दोपहर होते होते काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में अदालत से मिला पूजा का अधिकार। दोनों ही बातों का कोई कनेक्शन भले ही ना हो, लेकिन वो सियासत ही क्या जो कनेक्शन ना जोड़े। तो साहब, कनेक्शन तो जुड़ना शुरू हो गया है। बीजेपी को इसमें राम के बाद शिव नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष इसमें धर्म, ध्रुवीकरण और सियासत का कनेक्शन देख रहा है। तो राजनीति के जानकार सारे कनेक्शन जोड़कर इस महाकनेक्शन को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर चुनाव होगा, ये तो बड़ा एक अलग सब्जेक्ट है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके अगर राजनीति की जाती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। बीजेपी सियासत की पिच पर उस बल्लेबाज की तरह खेल रही है जिसे क्रिकेट की बॉल भी फुटबॉल की तरह नजर आती है और वो उस पर मनचाहा शॉट खेलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद अयोध्या से बही रामलला की लहर ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसे बीजेपी अपने पक्ष में देख रही है। हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा? मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूंगा तथ्यात्मक रूप से, जैसे एसआई की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूँ कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का देने और ये बड़ा महत्व का फैसला है। जाहिर है सियासत के अपने अपने कनेक्शन तलाशने के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अयोध्या और काशी की ज्ञानवापी से चली हवा क्या धार की भोजशाला में आकर अतीत के पन्नों को पलटेगी, और यदि पन्ने पलटेगी तो क्या उनमें लिखी इबारतें 2024 का मुस्तकबिल तय करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ये वक्त चुनाव का है, कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो वक्त चुनाव का है तो हर मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। यही तो वजह है कि ड्रोन पायलट योजना पर भी अब सियासत खूब उड़ान भर रही है। क्या है ये योजना और क्यों हो रही है इस पर सियासत, आइए समझते हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही 10,000 महिलाएं ड्रोन पायलट बनकर अपनी जिंदगी को नई उड़ान देने वाली हैं और इसके लिए केंद्र सरकार महिलाओं की पूरी मदद भी करेगी। सरकार ने इसके लिए ड्रोन पायलट योजना शुरू की है। क्या है ड्रोन पायलट योजना? महिला स्व सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना, महिलाओं को 80% रियायती दर पर ड्रोन मिलना, मुफ्त प्रशिक्षण और बीमा करेगी सरकार, 2 साल में करीब 30,000 महिलाओं को ट्रेनिंग, पहले फेज में 10,000 महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा के बाद इस योजना को लेकर मध्य प्रदेश का इकलौता ड्रोन स्कूल ग्वालियर में तैयार हो चुका है। MITS के डायरेक्टर रमेश अग्रवाल का कहना है कि ये महिलाओं को सशक्त बनाने में बड़ा कदम साबित होगा।
महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। इधर सिंधिया इसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा कदम बता रहे हैं। हम चाहे कृषि के क्षेत्र में बात करें, हम चाहे फ्रंट में बात करें, हम चाहे फोटोग्राफी के मामले में बात करें, ड्रोन सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। ग्वालियर में भी हमने MITS कॉलेज में ड्रोन स्कूल स्थापित किया है आज से 2 साल पहले, और वहाँ लगातार लोग बच्चे लोग एडमिशन ले रहे हैं। हमने भी और उनसे आग्रह किया है कि यहाँ और अधिक सक्रियता से स्टाफ को डेप्यूट करें ताकि यहाँ अधिक से अधिक बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें। ये 10,000 महिलाओं को पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा पूर्ण देश के अंदर, और उनको ड्रोन पायलट के आधार पर पूरे देश में आगे बढ़ाया जाएगा। इधर ड्रोन पायलट योजना को लेकर सियासत भी उड़ान भर रही है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि पहले सिंधिया लिखित में दे कि ड्रोन उड़ाने में महिला और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिकरवार का आरोप है कि ये सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी है, अगर रोजगार मिले तो वो भी कुछ महिलाओं की लिस्ट सिंधिया को सौंप देंगे। पहले रोजगार की गारंटी दी जाए कि ड्रोन पायलट बनके उनको क्या रोजगार मिलेगा। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, बहुत सारी महिलाएं जो ड्रोन चला रही हैं, लेकिन उनको रोजगार तो मिलेगा क्या? ड्रोन से क्या कहीं हमला थोड़ी होगा किसी पर, तो कम ड्रोन से रोजगार मिल जाएगा। ड्रोन से रोजगार जो तो खेल है एक, ड्रोन तो जो बच्चों का जिसको लोग खेलते हैं, रोजगार देना है तो वास्तव में रोजगार देना चाहिए। और अगर सिंधिया जी ऐसी पहल कर रहे हैं, अच्छा है, रोजगार दें, हम भी 10-25-50-100 महिलाओं की लिस्ट भेज देंगे, उनको भी रोजगार मिल जाए इस बहाने। लोकसभा चुनाव से पहले आई इस योजना पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासत होने का मौका भी है और दस्तूर भी, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव में ये योजना BJP को कितनी उड़ान देती है और कांग्रेस किस तरह इसकी काट निकालती है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस मुद्दों की तलाश में है। बीजेपी को नुकसान पहुंचाने और सीटों के गणित में खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अब एक नई रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस बीजेपी के वचन पत्र को जनता के बीच लेकर जाने और अधूरे वादों को उजागर करने का माहौल बनाने की प्लानिंग कर रही है। तो आखिर कांग्रेस की ये नई प्लानिंग क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने दांव पेच लगाने में जुटे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की 24 की डगर थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को हर रास्ते पर घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अलग अलग मुद्दों पर रणनीति बना रहा है। पार्टी 2014 और 2019 में जारी किए गए बीजेपी के घोषणा पत्र को हथियार बनाकर मैदान में उतरेगी और अधूरे वादों को उजागर कर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने करी वो पूर्ण नहीं, उसके बाद 2019 वही बातें फिर दोहरा दी गई, वही बातें की गई, किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को पेंशन देंगे, छोटे व्यापारियों को पेंशन देंगे, युवाओं के रोजगार की उन्होंने बातें करी, सपने दिखाए, जो भी बातें हुई है सब हवाई बातें हुई है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 2014 में था, वो 2019 तक फुलफिल नहीं हो पाया, उसके बाद 2019 में जो घोषणा पत्र बनाया गया वो आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करने की राजनीति करती है। एक बार फिर मोदी की गारंटी लेकर फिर चुनावी मैदान में, अरे गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो। कांग्रेस के इस प्लान को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता बीजेपी के किए कामों से पूरी तरह खुश है, जिसका असर 2023 के चुनाव में भी दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस का जनाधार अब खत्म हो चुका है, जल्द ही कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो जनता से अपना विश्वास खो बैठी है, उसके पास न नीति है, न नेतृत्व है, न नेता है। वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। ऑफलाइन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे और ब्रेक के उस पार कुछ और पॉलिटिकल खबरें दिखाएंगे। और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं। लड़ाई लड़े फिर भी हमारे 3 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो हम तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और 14 जवान घायल हुए,
इसमें से जो ज्यादा इंजोर्ड थे 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया और रायपुर के दोनों अस्पताल बालाजी और नारायणा उसमें 4-4 हमारे घायल जवान एडमिट हैं, जिनको हम कल रात को ही देखने गए थे, उनसे मुलाकात किए, हमारे गृह मंत्री जी भी थे और सभी सुरक्षित हैं, मतलब खतरे से बाहर हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये जब से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुआ है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी निराश नहीं हैं, कल मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा। आपकी बैठक में क्या विशेष चर्चा, क्या रणनीति तय की गई आपकी बैठक? आज के बैठक में हमारे गृह मंत्री भी थे, सीएस थे, डीजी थे और अधिकारी थे और उसमें यही तय हुआ कि जो सुरक्षा कैंप अभी लगातार नए नए स्थापित हो रहे हैं और सुरक्षा कैंप मतलब। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और पॉलिटिकल खबरों के साथ जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में आईटी रेड के बाद अब एक बार फिर से सियासत में उफान है। प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने बुधवार को दिन भर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आईटी विभाग के 150 कर्मचारी अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते रहे। कार्रवाई के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से रेड पर रार शुरू हो गई है और इस रेड पर कई बातें पहली बार देखने को भी मिली हैं। तो आखिर क्यों बदलापुर की सियासत का गढ़ छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में ये तीन चेहरे भी पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के साथ बुधवार को सियासी गलियारों में चर्चा का सबब बने। वजह बना इनका पूर्व मंत्री का करीबी होना। डिप्टी कलेक्टर अतुल शेट्टे अमरजीत भगत के ओएसडी रहे हैं तो राजेश वर्मा उनके निज सहायक रहे हैं, तो वहीं एसआई रूपेश नारंग को भी भगत का करीबी माना जाता है। पूर्व मंत्री की करीबियों के साथ खुद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ में परंपरा सी बनती जा रही बदलापुर की सियासत के हत्थे चढ़ते दिखे। गढ़ की सियासत में कई कदम पहली बार उठते दिख रहे हैं। घर पर पड़ी रेट के बीच अमरजीत भगत ने इस कदम को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने और राहुल गांधी की यात्रा का संयोजक बनाए जाने का साइड इफेक्ट बताया। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया। विरोधियों का काल है, लोकसभा चुनाव ऊपर करो, ऊपर सर्वे में मेरा नाम आ गया है, ये जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इसलिए राहुल गांधी जी का दौरा है, राहुल गांधी जी का दौरा है, उसके संयोजन बनाए गए हैं, इसलिए भी उनका प्रोग्राम को फिल करने का है। बदलापुर की सियासत का गढ़। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के रायपुर और अंबिकापुर के घर में आईटी की दबिश। भगत के साथ उनके करीबियों के ठिकानों पर भी आईटी का छापा। आईटी के अधिकारियों ने खंगाले दस्तावेज। रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, बलरामपुर, दुर्ग, भिलाई में भी दबिश। कार्रवाई के दौरान बिगड़ी पूर्व मंत्री की तबीयत। फैमिली डॉक्टर ने जांच के बाद दी आराम की सलाह। पहली बार अधिकारी पुलिस वाले निज सहायक रडार पर। ईडी की जगह आईटी विभाग ने नेता और सहयोगियों पर डाली रेड। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद आयकर विभाग की ये पहली बड़ी कार्रवाई है। पूर्व मंत्री के घर आईटी की दबिश के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सेंट्रल एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि पहली बार कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश में ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनप्रतिनिधि को जरूर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। लोकतंत्र है, पब्लिक समझती है, आने वाले दिनों में सब
को इसकी जानकारी भी होगी और कांग्रेस के साथ जनता खड़े रहेगी। ये कोई पहली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में ईडी की या जांच एजेंसियों की नहीं हुई है, ये सतत प्रक्रिया है। इससे पहले भी हुए हैं और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, भारत के विभिन्न कोनों में, सभी राज्यों में जहां जहां गड़बड़ी की आशंका होती है केंद्रीय एजेंसियां अपनी काम करती हैं। यदि पूर्व मंत्री जी सही हैं तो इसमें तो जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये पहली कार्रवाई नहीं है, इसके बाद सियासत में गर्मी बढ़ी हो। प्रदेश में ईडी और आईटी की कार्रवाई और सियासत छत्तीसगढ़ के एक सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। बदलापुर बन चुके छत्तीसगढ़ में बदला बदला का ये नया राग लोकसभा चुनाव पर क्या असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही हाल है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पार्टी नेता विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का जिम्मा एक दूसरे पर थोपते नजर आ रहे हैं। तो वही लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व गृह मंत्री के बयान ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह की परतें लगातार खुलती जा रही है। लोकसभा चुनाव सर पर है और नेता गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। कुनवे में कलह की कलई कांग्रेस आला कमान तक पहुंची, लेकिन उसके बाद भी कलह की चपेट में कांग्रेस के कई दिग्गज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सत्ता से बेदखल होने के बाद हार पर लगातार मंथन कर एकजुट होने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब भी कांग्रेस के दिग्गज नेता उबर नहीं पाए हैं। कांग्रेस के लिए ये स्थिति लोकसभा चुनाव के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है। चुनौती इसीलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के लिए निचले स्तर के पदाधिकारियों ने कई बड़े पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अब पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान से एक बार फिर कांग्रेस में 5 सालों तक चले ढाई ढाई साल के सीएम पद के फॉर्मूले का जन जाग उठा है। सरकार के गिरने का उसमें कितना हाथ है तो नहीं कह सकता, पर ढाई ढाई साल की बातें समाचार पत्रों में लगातार छपती रही, बातें आती रही, तो जनता में थोड़ा सा उत्साह की कमी तो होता है इन प्रकार की बातों से। पार्टी के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो बाहर सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ताम्रध्वज साहू के ढाई ढाई साल वाले बयान को बीजेपी ने लपक लिया। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि ढाई ढाई साल का फॉर्मूला कांग्रेस ही लाई थी, जो बीज बोए वही उनको काटे। तो ढाई ढाई साल का फॉर्मूला तो खुद कांग्रेस ने ही बनाया था, हमने तो कोई बनाया नहीं था। और खामियाजा ढाई ढाई साल का हो चाहे इनके पूरे 5 साल का हो, इन्होंने जो बीज बोए थे वही काटे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता उतनी भोली भाली भी नहीं है जितना कांग्रेस समझती है। छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है, वो 5 साल कैसे काटी है वो छत्तीसगढ़ की जनता से ही आप पूछिए, एक एक जनता से पूछिए कितने कष्टमय जीवन रहा 5 साल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये संग्राम कहीं पार्टी की लोकसभा की उम्मीदों पर पानी ना फेर दे। कांग्रेस ने अगर 24 के महासंग्राम से पहले कुनवे की कलह को नहीं रोका तो लोकसभा चुनाव की राह उसके लिए मुश्किल हो सकती है। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से सियासत के केंद्र में रहे हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने किसान और धान पर दाव खेला और इसका भरपूर फायदा भी मिला, लेकिन अब बीजेपी का यही दाव 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार ने इस साल 130 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने धान खरीदी की मियाद बढ़ाकर 4 फरवरी कर दी है, लेकिन अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान और किसान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार ने जहां धान खरीदी की मियाद बढ़ाकर किसानों को राहत दी है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की विफलता बताकर घेरने में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार में किसान लगातार परेशानी झेल रहे हैं। सरकार ने बिना किसी व्यवस्था के 130 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है।
बीजेपी सिर्फ लुभावने वादे करती है और सत्ता में आते ही उसे कुछ भी याद नहीं रहता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है। चाहे लोकसभा चुनाव के पहले 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ तो किस प्रकार से लुभावने वादे और घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन धरातल पर उसको साबित करके नहीं दिखाए। कांग्रेस की सरकार थी, आज किसान हलाकान और परेशान है। फिर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको छला है और धोखा देने का काम किया। अब वो अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। बीजेपी का भी पक्ष जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर धान खरीदी के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। धान खरीदी का ग्राफ साल 2013-14 में 78.35 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई। साल 2014-15 में 80 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई। साल 2017-18 में 56.88 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई। साल 2018-19 में 80.37 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई। साल 2022-23 में 107 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले खुद की करतूत देखे। पिछले साल हुई धान खरीदी का भुगतान अब तक नहीं कर पाए। धान खरीदी पूरी तेजी से चल रही है, कुछ किसान बच गए हैं जिनके लिए अब म्याद और भी बढ़ा दी है। डबल इंजन की सरकार ने हमेशा किसानों का फायदा सोचा है। देखिए, कांग्रेस अपना खुद के करतूत देखे ना, अभी तक उनके भुगतान नहीं हो पाए हैं पिछले साल के धान खरीदी के, और हमको बोल रहे हैं अभी हमारी धान खरीदी बंद नहीं हुई है, हम पूरा धान खरीद लेंगे तब तो हिसाब किताब लगा के किसान को देंगे। हम शुरू से ही बोले हैं कि धान खरीदी के बाद एक मुश्त देंगे, और देंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, निश्चित देंगे, 31 रुपया का दाम देंगे। और किसान को अभी 4 तारीख तक इसलिए हम लोगों ने बढ़ाया है कि कुछ किसान संघ की मांग आई थी। छत्तीसगढ़ में धान और किसान सियासत का सबसे अहम हिस्सा है। सत्ता में कौन रहेगा और विपक्ष में कौन, ये किसान ही तय करते हैं। ऐसे में एक बार फिर धान और किसान पर सियासत तेज हो गई है। अब देखना होगा कि धान खरीदी पर शुरू हुआ ये संग्राम 2014